त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है, तो खरीदारी करें और जीतें। शिक्षा सचिव पंजाब कृष्ण कुमार की ओर से आज जिला रूपनगर में करवाए जा रहे अध्यापकों की सम्मान समागम से पहले सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसेवाल का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज वे जिला रूपनगर में अध्यापकों के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिन अध्यापकों ने मार्च 2019 में 100% नतीजे लाने के लिए कड़ी मेहनत की है और बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर उनका सिलेबस पूरा करवाया और अपना योगदान दिया है, उनको आज रूपनगर में पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इन अध्यापकों की बदौलत बिना नकल किए 100% नतीजे आए, जो अपने आप में एक मिसाल हैं। दौरा हैगा स्कूलों का किवें आएगा ये आज दा जी जो रोपड़ जिले का जो प्रोग्राम है, मतलब ये उस लिहाज नाल मतलब दौरा नहीं कह सकते आप इन्हों, क्योंकि आज रोपड़ जिले के जो अध्यापक जिन्हों का मार्च 2019 हुई परीक्षा जिन्हों का 100% रिजल्ट आया सी, उन्होंने सारे अध्यापक और स्कूल मुखिया सम्मानित करन दा विभाग का आज प्रोग्राम है। सरकार ने यह फैसला लिया पिछले दिन ही कि वो सारे अध्यापक जिन्हों ने इन्ना चंगा काम किया पिछले साल, नकल रहित एग्जाम कराने के बावजूद भी जो रिजल्ट आया, इन्ना वधिया रिजल्ट आया जो कि अपने आप के विच एक मिसाल है, प्राइवेट स्कूलों नू भी मात दी सरकारी स्कूलों ने, तो ये सारा साढ़े अध्यापकों की बदौलत हुआ है। अध्यापकों ने पिछले साल एक्स्ट्रा क्लासेज भी लिया, बड़ी मेहनत कराइया, इनोवेटिव तरीके बच्चों मतलब अपने सिलेबस कंप्लीट कराए, तो उदा सारी चीज़ों का नतीजा है। तो ये हूँ एक विभाग की ड्यूटी बनती है, इस करके सरकार ने फैसला लिया कि सारे अध्यापकों उन्होंने जिलों के जाके जिन्हों के 100% रिजल्ट आए हैं उन्होंने सम्मानित करना है। आज ये प्रोग्राम रोपड़ जिले के है, तो इसलिए आज विभाग के सारे अफसर रोपड़ जिले के आए हुए हैं। मैं इस स्कूल इतने पहुँचा और इस स्कूल का जितने तक सवाल है तुम देख सकते हो, कोई किसी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही मैं स्कूल दे विच। बाहरों जो कोई आए जो किसी को ना दसा जाए तो शायद कोई पहचान में मना करेगा कि ये स्कूल प्राइवेट स्कूल है मतलब जां सरकारी स्कूल है। सारी चीज़ा तुम क्लासा में जाके देख आओ, बच्चों ने बड़ी सोहनी आज इतने पीटी भी की है, जो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, और इतने ये बिल्कुल अचनचेत है, ये भी नहीं कि स्कूल दस के मैं आया, बिल्कुल नहीं। शायद प्रिंसिपल साहब को भी नहीं पता, मेरे एंटर होने तो बाद भी शायद इन्हों नहीं पता कि मैं पहुँच गया, पर ये अपने बिल्कुल एकदम वैल इन टाइम अपने ऑफिस के आए हुए थे, बैठे सन दूसरे अध्यापक, तो बहुत ही वधिया, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड कि और इस स्कूल इनरोलमेंट भी वधी है, और वो इसी चीज़ का नतीजा कि स्कूल पढ़ाई हो रही है इलाके कि एक चंगा स्कूल है ये, तो इस करके लोगों का विश्वास है और यही सब कुछ असं कुछ चाहते हैं। इसी तरह के स्कूल पंजाब और भी तकरीबन 4000 स्कूल बन गए हैं और अगले आने वाले समय से सारे तकरीबन सारे स्कूल जो हैं वो भी स्मार्ट स्कूल। सर एक जी बदली पॉलिसी शुरू की है सरकार ने, उसका कितना फायदा? देखो बदली वाली जो पॉलिसी है सरकार ने ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के विच मतलब लियांदी है, इस ट्रांसफर पॉलिसी के नाल सारे अध्यापक बड़े खुश हैं और एक ट्रांसपेरेंट तरीके नाल टीचर नूं विश्वास हो गया कि ये मेरी बदली हो सकती है कि मेरी नहीं हो सकती, और मेरी होनी है और इस तरीके नाल होनी है, इस पैरामीटर के नाल होनी है। जे तुसीं ट्रांसफर पॉलिसी नूं डूंघाई दे नाल जे स्टडी करो तो सारे ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है, कोई ये नहीं कि किसी की मेरी कोई सब्जेक्टिविटी है कि जो मैं किसी को पसंद करा तो उन्होंने 5 नंबर फालतू लगाता, बिल्कुल नहीं। ACR परफॉर्मेंस बेस्ड है, ACR दे बेस्ड है, टीचर जिन्हें काम करते हैं हर एक चीज़ की क्रेडिट है और टीचर नूं एक्सपीरियंस की वेटेज है, कोई फीमेल टीचर है तो उन्होंने उस चीज़ की भी वेटेज है, जो कोई और कोई फिजिकली चैलेंज है तो उन्होंने उस चीज़ की भी वेटेज है। स्कूल के और कई जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो टीचर ने पार्टिसिपेट किया है तो बेस्ड ऑन दी आउटकम्स उस चीज़ की भी वेटेज है, तो टीचर्स इस दिल बड़े खुश हैं। और ऐत की जो बदलियाँ जो तुम देखो 7300 ट्रांसफर हुई हैं बिना किसी शिकायत, कोई एक भी टीचर नूं किसी तरह की कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है, ट्रांसपेरेंट तरीके नाल हुई है और हुण बदलियाँ बंद हो गई हैं, तो इस करके सारे अपने अपने कामों के लगे। हुण अगले साल फिर असी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे मार्च के फरवरी मार्च के जो भी पॉलिसी के पैरामीटर्स डेडलाइनस टाइमलाइनस है उस हिसाब न,
तो उसी हिसाब न फिर लोगों ने अपलाई करना है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिस्टम, कोई किसी को किसी चक्कर काटने नहीं पैंते, दफ्तर के किसी मूहरे बाहर बैठना नहीं पैंता, सारे काम बिल्कुल हुए। लार्जली द टीचर्स मतलब ऑल द टीचर्स आर हैप्पी। जिन्हें बदली मैं ये कहूँगा कि जिन्हें बदली नहीं हो पाई वो टीचर भी खुश है, घट्टो घट्ट उन्होंने एक रीज़न पता लग गया कि मेरी बदली क्यों नहीं हो पाई और अगले साल मेरी बदली होनी है और मैंने अपनी बदली कराने के लिए मैंने ये सब सारा काम करना पड़ा। इंस्टा न्यूज़ के लिए श्री आनंदपुर साहिब से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।